हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इजी है। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का एक पार्ट है क्वांटम नंबर्स, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वांटम नंबर्स। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर दिस वीडियो, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड अवर यूट्यूब चैनल साइंस इजी है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। So the quantum numbers are classified into four types. First is coming principal quantum number, QN लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। Second होता है azimuthal quantum number। थर्ड आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ इज कमिंग स्पिन क्वांटम नंबर विच टेल्स द डायरेक्शन। ओके, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, एंड स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। सो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, द एन विल रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन गिवन बाय एन इज The value of n represents the shell. Shell means अगर n की value 1 है तो k shell होगा, 2 है तो l shell होगा, 3 है तो m shell होगा, और 4 है तो n shell होगा, so on. Okay. And n also determines the energy of the electron in a given orbit. सेकेंड पॉइंट आ रहा है हमारा, एन डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन ऑर्बिट। इसका फॉर्मूला है 2 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एज द वैल्यू ऑफ एन increases, the value of energy become less negative. So by the value of n we can also calculate the number of electrons in the given shell. For example, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n square, n is the number of shell. So in k 2n square लिखेंगे तो 2 × 1 का square, so it will come 2. So जो k shell है उसमें maximum 2 electron आ सकते हैं। ऐसे ही एल के लिए लेंगे तो 2n square 2 × 2 = 4 × 2 = 8, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के विल बी 8। एम के लिए 2n square = 2 × 3 square, सो इट विल कम 18। ओके, नाउ सेकंड इज कमिंग एज़ीमुथल और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन। सी, एल वैल्यू जो होगी वो एन माइनस वन ही होगी, मतलब अगर एन की वैल्यू 1 है
12 की वैल्यू हो जाएगी 0, अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, वैल्यू ऑफ एल इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सब सेल्स, मीन्स एस की वैल्यू होगी 0 ही होगी हमेशा, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, 4s, 5s, एस ऑन। और पी की वैल्यू होगी 1, डी की वैल्यू होगी 2, एफ की वैल्यू होगी 3। ओके, और एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, जैसे हमारा के शेल है, इसके लिए एन की वैल्यू होगी 1, सो एल की वैल्यू होगी 0। बट इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी होगा। एल की वैल्यू आपको पता है, एक कम होगी 0, ठीक। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो कितने, इसको निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 (2l+1), सो वैल्यू पुट करेंगे 2 × 0+1, सो इट विल कम 2। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 2 होंगे। ओके, अपना थर्ड आ रहा है। थर्ड देखिए बहुत इजी है, जैसे यहाँ 2 आ गया, ये इसको देखिए 0। सो इसके लिए m की वैल्यू भी 0 ही होगी। अगर l की वैल्यू देखिए मान लीजिए 1 है, ओके, तो 1 के लिए होगा m की वैल्यू हो जाएगी 0, (+1, -1)। टेक एन अदर एग्जांपल आल्सो, अगर हमारी l की वैल्यू 2 है तो हमारे लिए m की वैल्यू हो जाएगी 0, (+1, -1)(+2, -2)। नाउ फोर्थ इज कमिंग स्पिन क्वांटम नंबर विच डिटरमाइन द डायरेक्शन। एंड एम के में ऑर्बिट भी निकाले जाते हैं, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो एम की वैल्यू आपको ज़्यादातर यही लिखने को आएगी टेबल में, इसके न्यूमेरिकल नहीं आते हैं ज़्यादातर। न्यूमेरिकल आपको फर्स्ट और सेकंड के ही आते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सो फोर्थ आ रहा है स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो, अगर देखिए हमारी एल की वैल्यू अगर 0 है, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक, और एस की वैल्यू जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू आ जाएगी (+1/2) एंड (-1/2)। इसी तरह यहाँ एल 1 है तो ये आ जाएगा 0, (+1, -1), इट विल कम (+1/2, -1/2), (+1/2), (-1/2), (+1/2), (-1/2)। यहाँ एक वैल्यू की यहाँ दो वैल्यू निकलेंगी स्पिन क्वांटम नंबर भी, एक (+1/2, -1/2), एंड इट डज नॉट वेरी, इट विल सेम फॉर एवरी नंबर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर दिस वीडियो। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स।